मैं डॉक्टर प्रियंका कापती, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट पीपी मानिया हॉस्पिटल। आज हम देखा जाए तो इंडिया में, भारत में कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब इंसिडेंस मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पुरुषों में देखा जाए तो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वो है मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। जबकि फीमेल्स में, महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो है स्तन कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मीन्स गर्भाशय के मुख का कैंसर। एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक खौफ आ जाता है कि कैंसर डायग्नोस हुआ, इट मींस लास्ट स्टेज है, मतलब टर्मिनल है, पेशेंट अब जीने नहीं वाला। बल्कि ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। आज भी ऐसा है कि अगर जितने जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो, अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है, जितने जल्दी अपने को कैंसर का पता चले, अर्ली स्टेजेस में पता चले, तो कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल होता है। जबकि एडवांस स्टेजेस में भी, जिससे हम इतना डरते स्टेज फोर में, एडवांस स्टेजेस में भी आज के इतनी नई थेरेपीज आ गई, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कि हम डिजीज को, हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छा कर सकते हैं विद एडवांस टेक्निक। तो कैंसर ऐसा कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है, वो कम्प्लीटली क्योरेबल होता है जितने अर्ली डिटेक्ट हो तब।